कोई जरूरी नहीं कि पढ़ लिख कर या नौकरी बिजनेस करके ही अपना करियर बनाया जाता है। आज के दौर में अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी के जरिए भी नाम और पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखा है 25 साल के युवक ने। ना तो उसने नौकरी की ना ही कोई बिजनेस किया, बल्कि अपने स्किल्स की बदौलत दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर बन गया और आज 900 करोड़ से भी ज्यादा पैसों का मालिक है। आइए जानते हैं कि उनकी पूरी कहानी, जिसमें उन्होंने अपने टास्क पूरा करने वाले लोगों को आइलैंड तक गिफ्ट कर दिया था और एक बार तो वेटर को उन्होंने कार टिप में दी थी। जब उनकी मौत की झूठी खबर फैला दी तब उन्होंने क्या किया था। आज के इस वीडियो में हम जिस बंदे की बात करने वाला है उनका नाम जिमी डोनाल्डस है, जिन्हें मिस्टर बीट्स के नाम से भी लोग जानते हैं। जिमी डोनाल्डसन का जन्म 7 मई 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कंसास राज्य में हुआ था। मिस्टर बीट्स आज दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनलों में से एक है। वर्तमान में इस चैनल के 215 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन क्या आप इस चैनल को शुरू करने वाले शख्स की कहानी जानते हैं कि कैसे उन्होंने मात्र 25 वर्षीय उम्र में यूट्यूब से करोड़ों के नेटवर्थ बना ली है। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल टेट नूट के नाम से खोला और इस चैनल में उनका पहला वीडियो फरवरी 2012 में लेट्स प्ले के नाम से गेमिंग वीडियो अपलोड किया था। इसके बाद उन्होंने अन्य बड़े यूट्यूबर के संपत्ति से संबंधित वीडियो बनाया जिसको लोगों ने खूब पसंद किया और ऐसे ही धीरे धीरे डोनाल्डस ने यूट्यूब के अल्गोरिदम को समझना शुरू किया और मजाक करने वाले वीडियो अपलोड करने लगे, जिससे उन्हें काफी मदद मिला। 2016 के बाद उन्होंने यूट्यूब को अपना करियर समझकर इसे फुल टाइम करने का वादा किया, लेकिन इनके फैसले से इनकी मां सहमत नहीं थी और ने घर से बाहर कर दिए। इसके बाद जैसे जैसे इनका चैनल बढ़ता गया, डोनाल्डस ने अपने बचपन के 4 दोस्तों क्रिस टायसन, कैलेंडर हैलो, गैरेट रोनाल्डस और जैक फ्रैंकलिन को भी काम पर रख लिए। धीरे धीरे उन्होंने अनेक गेम्स, परोपकारी और असंभव घटनाओं आदि क्षेत्रों में काम किया। लेकिन कहा गया है कि कामयाबी की एक खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसी तरह से मिस्टर बीस्ट की दुनिया का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल बन गया। मिस्टर बीस्ट के अलावा डोनाल्डसन के ऐसे और भी यूट्यूब चैनल है जिस पर वे वीडियो अपलोड करते हैं और इन सभी यूट्यूब चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मंथली इनकम कितनी हो सकती है। जबकि एक बार एक ट्विटर यूजर ने मिस्टर बीस्ट के यानी जिमी डोनाल्डस के निधन की गलत खबर पोस्ट कर दी थी और उसने यूट्यूब की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिस्टर बीस्ट का निधन हो गया है, बहुत ही जल्दी चले गए, हम लेजेंडर को कभी नहीं भूल पाएंगे। और यह पोस्टर देखते ही देखते बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जिसमें इसे 14 मिलियन से अधिक व्यूज मिल गए। हजारों लोगों इस पर रिएक्ट किया, खुद मिस्टर बीस्ट ने भी ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस पोस्ट पर 1 लाख लाइक क्यों है। मिस्टर बीस्ट के इस रिप्लाई पर यूजर ने फिर लिखा कि मेरे ट्वीट का जवाब देने के लिए पाए की जान में जान आ गई, यदि आप मुझे $10,000 भेजते हैं तो इस पोस्ट को मैं हटा लूंगा। हालांकि यूजर का यह मजाक लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने मिस्टर बीस्ट के निधन की गलत खबर फैलाने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। बता दें कि अमेरिका में रहने वाले जिमी डोनाल्डस या मिस्टर बीस्ट एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर है। वह दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले और सबसे अधिक सब्सक्राइब वाले यूट्यूबर भी है। जिमी अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बीस्ट पर हैरत अंगेज स्टंट वीडियो पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं और वह दिल खोलकर चैरिटी भी करते हैं। साल 2021-22 में उन्होंने यूट्यूब से 4 अरब रुपये से अधिक कमाई की थी। डोनाल्डसन ने अजनबियों और दोस्तों को याचिक दान के रूप में $10,00,000 से अधिक देकर यूट्यूब पर अपना नाम बनाया। अब उनके चैनल पर एक नया वीडियो उस सवाल का जवाब दे रहा है जो उनके अक्सर प्रशंसकों से मिलता है, सारा पैसा कहां से आता है। डोनाल्डसन के $1 मिलियन के दान का अधिकांश हिस्सा ब्रांड सौदों से आया, जिसका कई प्रशंसकों ने अनुमान लगाया होगा, लेकिन वह अपने निजी राजस्व को बढ़ाने के लिए वायरल होने पर भी भरोसा करते हैं। वह जितना अधिक वायरल होता है उतने ही अधिक ब्रांड उसके साथ काम करना चाहते हैं और उसकी अपनी एडसेंस कमाई उतनी ही अधिक हो जाती है। इसके बाद वह और भी बड़े उपहार वाले वीडियो से दर्शकों को लुभा सकते हैं, यह कभी खत्म होने वाला चक्र नहीं है। इसकी शुरुआत ट्विट जैसी कंपनियों से क्रमिक रूप से प्रायोजित सौदों के साथ हुई, जिसमें डोनाल्डसन के साथ $10,000 के वीडियो पर काम किया गया। डोनाल्डसन ने लगभग सब कुछ दे दिया, बेकर लोगों को, आकर्षक ट्वीमर्स को, अपने माता पिता, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने अनुयायियों को भी उन्होंने 30 मिलियन पैसों का टायलर निजा ब्लेविन जैसे प्रमुख ट्विच स्ट्रीमर्स के साथ खिलवाड़ किया और अपने शहर में घूम घूम कर जितने बेकर लोगों को पाया उन्होंने $1,000 का दान दिया। डोनाल्डसन ने अपने वीडियो में बताया कि परोपकार के अपने
अपने पहले प्रमुख प्रायोजित कार्य के लिए एक बेकार व्यक्ति को $10,000 देने के बाद उन्होंने एहसास हुआ कि उन्हें लोगों की मदद करना पसंद है, इसलिए उन्होंने ऐसा करना जारी रखा। लेकिन डोनाल्ड हसन को कुछ और भी एहसास हुआ। जितना बड़ा उसका उपहार होता गया और दान देने का उसका तरीका जितना अधिक असाधारण होता गया, उनका चैनल उतनी ही तेजी से बढ़ता गया। डोनाल्ड हसन के एक अपेक्षाकृत छोटे चैनल से लेकर 5 मिलियन से अधिक ग्राहक बनाने तक पहुंच गया। उनके वीडियो को कुछ ही हफ्तों में नियमित रूप से 10 मिलियन से अधिक बार देखा जाता है। परिणाम जैसा कि डोनाल्ड हसन इस वीडियो के अंत में कहते हैं कि एक बड़ी तनख्वाह है और मिस्टर बीस्ट गरीबों को दान करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट की तरह एक दूसरा इंसान भी है जो भारत के गुजरात में खजूरबाई नाम से जाने जाते हैं और वो भी मिस्टर बीस्ट की तरह गरीब लोगों की मदद करते हैं और उन्होंने गरीब लोगों को 200 से ज्यादा घर बनवा के दिए हैं। 10 अप्रैल 1912 आज का दिन टाइटैनिक के लिए बहुत ही अहम होने वाला था, क्योंकि आज के ही दिन टाइटैनिक अपना पहला सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका तक करने वाला था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह टाइटैनिक का अंतिम सफर भी है। इस जहाज में यात्रा करने के लिए अमीर लोग आए थे जिनमें से लगभग 2500 लोग थे। अगले 2 दिन में टाइटैनिक को 7 बार चेतावनियां दी गई, लेकिन टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इन चेतावनियों को इग्नोर कर देते हैं और 14 अप्रैल 1912 समय 11:30 रात हो गई थी और हवा और ठंड बहुत ज्यादा थी और चांदनी की रोशनी भी नहीं थी। सामने दिखने वाले गार्ड को सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक गार्ड को सामने बर्फ का ढेर दिखाई देता है जिससे वह तुरंत संकेत के घंटी को दबाता है, जिससे नीचे बैठे जहाज को संचालित करने वाले लोग तुरंत जहाज चलाने ऑफिसर को फोन लगाता है और कहता है कि जहाज के सामने बर्फ की ढेर है, जहाज को तुरंत घुमाओ। लेकिन तब तक देर हो गई थी।